एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम अपने गराज को जो है री करेंगे मेरे मेंशन में चार पार्किंग गराज है लेकिन दो फ्रंट पे है वो बहुत बुरे दिखते हैं बहुत छोटे हैं और गाड़ियाँ जो है मैं एक साथ पार्क नहीं कर सकता सो इन ऑर्डर टू डू दैट हमें अपने इस नीचे दो गराजों को जो है बड़ा करना होगा इसे बड़ा करने के लिए हमें इस वॉल को डिमोलिश करना होगा ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास बेसमेंट में जो फजूल रास्ता है जहाँ पर लॉन्ड्री पड़ी है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम करेंगे क्या कि इस दीवार को हम हटा के फ्लोर को भी उखाड़ के हम इन दोनों जगह को एक साथ मिलाएँगे ताकि हमारे चार गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सके गराज के डोर्स पे हम ऑटोमेरिक मोटर्स लगाएंगे फ्रंट गराज पर और और मोटर्स है लेकिन नीचे नहीं तो अमेरिका में यहाँ पर लोग मजदूर रही नहीं रखते रिवोल्यूशनरी है ऑटोमेटिक डोर्स लाजिम है क्योंकि पाकिस्तान में जब दो टके के लोग अमीर हो जाए उनके लिए लोग मुलाजिम दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं लेकिन हम अमेरिका में यहाँ पर कर सकते हैं सो so, मोरल ऑफ द स्टोरी जब अमीर बनो तो ये फजूल हरकतें ना करो ते तुम्हारे लिए पुलिस दरवाज़ा खोलता है कम ऑन मैं अपनी बेंटली का दरवाज़ा ख़ुद ओपन करता हूँ ये भाई साहब जो है फ्लोर इचिंग लगा रहा है फ्लोर इचिंग बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने गराज में ई पाक्सी करना हो एक टिप देता हूँ कभी भी गराज फ्लोर पर टाइल्स मत लगाना क्योंकि ये टूट जाते हैं मैंटेन्स हाई होता है ई पाक्सी जो है ये बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम आप इसको आराम से क्लीन भी कर सकते हो और गराज में जो है ई बहुत ही अच्छा लगता है ये तीन सौ डॉलर का एक लिक्विड आता है और दो सौ डॉलर का जो है पेंट आता है पाँच सौ डॉलर में जो है आपका सारा फ्लोर आराम से हो सकता है अगर आपने ओनली ई का जो है एक ही बकेट लेना है वो एन एफ होगा आपको पेंट की ज़रूरत नहीं है सो हमारा एक बाई जो है पेंट करेगा दूसरा बाई साथ में जो है ये चिप आते हैं पेंट के जिसे स्प्रेड करते हैं इससे जो है हमारा गराज खूबसूरत दिखता है इसे लाजमी ट्राई करें और इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी मिलता है गराज को सो so, गराज का फाइनल लुक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट गराज में जो हमने है हमने एलईडी लाइट्स भी लगाने हैं सब कुछ लगाने हैं बहुत ही काम है बट एटलीस्ट इतना है कि पहले से तो बेहतर है हमने पैनल्स लगाए हैं थ्री वॉल पर ताकि और भी अच्छा दिखे एन वाला Welcome. 1.4 मिलियन डॉलर्स का गराज कैसे दिखता है आई मैं आपको दिखाता हूँ so, सो आपने पहले गराज देखा कि गराज कितना मैसअप था गराज का इंटीरियर कलर मैंने ब्लैक चूज किया है एंड फ्लोर पे जो है हमने ग्रे फाक्सी लगाया है सो so, फरारी को हमने यहाँ पर पार्क किया है नेक्स्ट फरारी हमने जी वैगन को पार्क किया है नेक्स्ट हमने बेंटली को पार्क किया है एंड बेंटली की पीछे हमारा छोटा भैया एस्टन मार्टन है एस्टन मार्टन छोटा है तो इसलिए एस्टन मॉर्टन को जो है हमने यहाँ पर पार्क किया है अब आप सोचोगे कि यार इस एज में इतनी गाड़ियाँ लेना ये मेरा कोई कमाल नहीं है ना मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ मैं आपकी तरह हूँ अगर जितने भी भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं और मेरे गराज को देख रहे हैं ये गराज मुझे नसीब से नहीं मिला ये गराज जो है मुझे स्मार्ट वर्क से मिला है मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ छः महीने में ये गराज तुम्हारा हो सकता है अगर तुम ये तीन ब्रांड सेल करो कोलगेट डव नेट्रोजीना अगर ये तीनों ब्रांड्स तुम अमेजोन पर सेल करते हो अगले छः महीने के बाद तुम्हारे गराज में फरारी भी होगी तुम्हारे गराज में बेंटली भी होगी बट तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा अपने दिमाग को ये मैसेज दो दुनिया में लोग आएंगे नो ही ये तो नामुमकिन है शाहिद लकी नो मैं लकी नहीं आई वर्क माई ऐस ऑफ मैं हर एक चीज़ के लिए काम करता हूँ अब आप सोचोगे यार इतना अमीर बंदा हमें यूट्यूब पर क्यों अपनी गाड़ियाँ दिखाता एक दिन मुझे जाना है इस दुनिया से बट मैं चाहता हूँ ये एक तरीक़ा है तुम लोगों को पुश करने के लिए ये मेरा मोटिवेशन का अंदाज़ है तुम लोगों को गालियाँ देना तुम लोगों को ग़रीब कहना तुम लोगों को अपनी गाड़ियाँ क्योंकि इसलिए अगर मैं कर सकता हूँ हर एक इंसान कर सकता है इवन दो मेरा कैमरा बॉय भी कर सकता है हर कोई कर सकता है पर यू हैव टू बी पॉजिटिव तुम्हें अपने जहन को जो है ये पॉजिटिव मैसेज देना होगा कि हाँ एवरी थिंग इज़ पॉसिबल अगर ये गराज यकीन करो तुम मजदूरी में जो है मेरे गराज में जितनी गाड़ियाँ हैं इनका ऑयल चेंज भी अफोर्ड नहीं कर सकते बट अगर तुमने आगे जाना है यू हैव टू वर्क यू हैव टू सेल ब्रांड्स हर कोई बंदा चाहता है कि उसके पास बैंतली हो बट कोई भी बंदा काम नहीं करता अमेजान काम करता है शर्ती है क्या तुम काम करते हो यानी पाकिस्तान से तुम कर सकते हो अफग़ानिस्तान से कर सकते हो इंडिया से कर सकते हो आज अपना नॉन रेजिडेंट एलएलसी को फॉर्म करो आज ही ब्रांड के जैसे ही तुम्हें ई आई मिले ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट बनाओ जाके वॉइस लेके लिस्टिंग को अप्रूव कराओ दैट्स ऑल इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं बट तुम्हें करना होगा सो ये था मेरा 1.4 मिलियन डॉलर्स का ग्राज मैं अपने हाउस की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे बेडरूम पर काम हो रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ हो सकता है कि मेरा हेलीपैड भी बन जाए तो मैं चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर का जो है और हाउस की वीडियोस एक साथ लाओ अगर हेलीपैड का नहीं हुआ तो मे बी नेक्स्ट मंथ जो है मैं अपने हाउस टूर जो है आप लोगों को दिखाऊंगा अब जब गराज के अब आप नीच अंदर जाओगे गराज के अंदर जो है ये मैंने बात बेसमेंट में बनाया है मेरे घर में जो ऊपर गर दो गो गराजे हैं मैंने उसे ख़त्म किया है सो उसका मैं जो है गेस्ट रूम बनाऊँगा पता नहीं क्या करूँगा लेकिन अगर गराज से आप सीधा अंदर आए तो यहाँ पर जो है आप स्ट्रेट इन होंगे फन प्लेस यहाँ पर जो है पूल टेबल होगा होगा नहीं आई I मीन mean, है यहाँ पर पूल टेबल है एंड वहाँ पर जो है मेरा जिम है एंड दैट्स ऑल तुम्हें और क्या चाहिए सो so, ऐसा बनो कि लोगों को तुम्हारा घर फ़ाइव स्टार लगे ताकि लोग कहें ओ ये किसी फाइव स्टार होटल में है और हमें शो ऑफ कर रहा है ऐसा गराज बनाओ कि लोगों को लगे कि यार ये तो आ, किसी शोरूम पे गया है अब लोगों को ये लगेगा लूजर लोग कहेंगे कि शाहिद अनवर जो है आ, शोरूम में है बट टेक्निकली इतना अमीर बनो कि लोग कमेंट सेक्शन में आए कि यार ये तो कोई फ़ाइव स्टार होटल है कड लाख